नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, यही बात उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी कह रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि दयाशंकर सिंह ने कह दिया तो इसमें क्या खास बात है। खास बात यह है कि ओपी राजभर से मुलाकात के बाद उन्होंने ये बात कही है। ओपी राजभर आज अपने दोनों बेटे अरुण राजभर और अरविंद राजभर के साथ वीवीआईपी गेस्ट हाउस लखनऊ में दयाशंकर सिंह से भी मिले और कौशल किशोर से भी से मिले। 2 घंटे तक बातचीत हुई। स्वाभाविक सी बात है कि पत्रकार घेरेंगे और सवाल पूछेंगे कि वो ओपी राजभर जो अभी तक बीजेपी को पानी पी पी करके कोस रहे थे, अचानक दयाशंकर सिंह और कौशल किशोर से क्यों मिले, 2 घंटे तक क्या बातचीत हुई, दोनों बेटे साथ में क्यों थे। बाहर निकल करके उन्होंने ये बोला कि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने क्षेत्र की किसी समस्या को लेकर के आए थे। दयाशंकर सिंह भी बोले कि वो एक बस डिपो की मांग को लेकर के आए थे। इसके बाद सवाल उठे कि बस डिपो की मांग को लेकर के आए थे ओपी राजभर, एक विधायक हैं, आ सकते हैं, फिर दोनों बेटों को साथ क्यों ले आए थे, फिर भी वीआईपी गेस्ट हाउस में मुलाकात करने की जरूरत क्यों पड़ी, दयाशंकर सिंह के ऑफिस मंत्री के कार्यालय में वो क्यों नहीं मिले, बहुत सारे सवाल हैं। दरअसल हुआ क्या है कि जब से समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव और विधान परिषद चुनाव में बुरी तरीके से हारी, एक एक करके लोग साथ छोड़ने लगे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का आजकल कहीं नाम नहीं आ रहा है, मौन है। क्यों, क्या उन्हें एहसास हो रहा है क्या कि बीजेपी के साथ छोड़ करके उन्होंने गलती की थी। ऐसे ही चाचा शिवपाल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बगावत के राह पे हैं। आजम खान जेल में हैं, बागी मूड में हैं। ओपी राजभर पर सबकी नज़र है, बीजेपी खास तौर से उनकी तरफ देख रही है। वजह ये है कि बीजेपी को भी पता चल गया है कि ओपी राजभर को साथ रखने में ही भलाई है, क्योंकि पूर्वांचल में उनका असर है। बीजेपी अभी से 2024 के प्लान में लग गई है। गुजरात और हिमाचल चुनाव के साल के लास्ट में होने वाले चुनाव की तैयारी चल रही है, लेकिन पैरेलली यदि किसी महासमर की तैयारी चल रही है तो वो है लोकसभा चुनाव 2024। बीजेपी की खासियत यह है कि एक चुनाव हारती है या जीतती है दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है, उसी तैयारी में लग चुकी है। उसे पता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है, इसलिए यहाँ के छोटे छोटे दलों को साधना है। उसी कड़ी में आते हैं ओपी राजभर और जयंत चौधरी। जयंत चौधरी पर भी उनकी नज़र है और ओपी राजभर पर भी। जयंत चौधरी का पश्चिम में असर है और ओपी राजभर का पूरब में असर है, इसलिए बीजेपी उन पर डोरे डाल रही है। इन दोनों नेताओं को भी दिख रहा है कि अखिलेश यादव के साथ रह के क्या मिलेगा। लिहाजा आपने देखा होगा कि जयंत चौधरी हो या ओपी राजभर, हारने के बाद से बहुत ज़्यादा तल्ख नहीं है। तो बीजेपी से जुड़ने के एक कारण और भी है कि पिछले दिनों ये चर्चा हुई थी कि ओपी राजभर दिल्ली में आ करके गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। हालांकि ओपी राजभर ने इस बात का खंडन कर दिया था। सोशल मीडिया का दौर है, तस्वीरें और वीडियो वायरल हो जाते हैं, लेकिन जो गोपनीय मुलाकातें होती है उसमें पत्रकारों को थोड़े पता चलता है कहाँ पे मुलाकात हो रही है, क्या बात हो रही है। लिहाजा वो बात आई गई और दब गई, लेकिन अब जब वो दयाशंकर सिंह और कौशल किशोर से मिले हैं तो मिलने के बाद ये चर्चा चल निकली है कि कब कैसे सपा छोड़ेंगे और बीजेपी से हाथ मिलाएंगे, ये जो है इस पर नज़र रहेगी। और जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।